हेलो एवरीवन, वेलकम टू उज्ज्वल कुमार सैन यूट्यूब चैनल। सो फ्लूइड मैकेनिक्स के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। सो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी पीएसयूज एग्जामिनेशन का, एसएससी जेई का, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज आपको कहाँ मिल जाएगा, toptestseries.com पर। अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं HPCL के, RVNL के लिए और UP के भी हम टेस्ट सीरीज वेरी सून लॉन्च करने वाले हैं विथ मोस्ट एफोर्डेबल प्राइस। आप देख सकते हैं 149 रुपीज़ में 5 फुल लेंथ टेस्ट रहते हैं। HPCL का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कोई भी टेस्ट सीरीज आप बाय करना चाहते हैं टेक्निकल का, तो आप toptestseries.com जरूर विजिट करिए और बाय करिए। मोस्ट एफोर्डेबल रहते हैं और एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स ये टेस्ट सीरीज को क्या करते हैं, आपका बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। 101 में क्वेश्चन क्या बताया गया है, सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट। सेपरेशन ऑफ फ्लो कब होगा, प्रेशर ग्रेडियंट कंडीशन है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, तो क्या होगा आपका सेपरेशन ऑफ फ्लो होगा। देखिए यहाँ पर पहला क्या बताया गया है, टेंस टू अप्रोच जीरो, बिकम्स नेगेटिव, रिड्यूस टू वैल्यू व्हेन वेपर फॉर्मेशन एंड ऑन ऑफ दिस। एक्चुअली सेपरेशन फ्लो कब होता है, जब प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है आपका पॉजिटिव वैल्यू का होता है, तब हमारा क्या होता है सेपरेशन ऑफ फ्लो होता है। सो अगर इस कंसेप्ट पे हम चलें तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या बनता है, हमारा करेक्ट आंसर बनता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं, 102 नंबर। टाइम ऑफ फ्लो जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, फ्रॉम वन टैंक इन विच वाटर लेवल इज H1 टू अनदर टैंक हैविंग वाटर लेवल H2 विल बी प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारे पास क्या होता है, जो टाइम ऑफ फ्लो टी इज इक्वल टू क्या इक्वेशन होता है, ए बाय स्मॉल ए, राइट, ए को कैपिटल ले लेते हैं और ए को स्मॉल ले लेते हैं, √√H1 माइनस रूट अंडर क्या होता है H2 होता है। अगर आप बोलेंगे मतलब देखेंगे तो यहां पर जो प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा हमारा, टी प्रोपोर्शनल, ये सारे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा हमारे पास √H1 माइनस √H2। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आंसर बैठता है, ऑप्शन सी क्या बैठता है, करेक्ट आंसर बैठता है। क्वेश्चन नंबर 103, बोर्दाज माउथपीस इज, बोर्दा एक माउथपीस होता है उसको हम यूज करते हैं, राइट। तो इस माउथपीस के अकॉर्डिंग कौन सा कंडीशन क्या बैठता है, सही बैठता है। तो देखिए हमारे पास पहला कंडीशन क्या बताया हुआ है, अ शॉर्ट सिलेंडर ट्यूब प्रोजेक्टिंग इनवर्ड हैविंग लेंथ ऑफ 1/2 डायमीटर, राइट। लेकिन इस माउथ पीस में थोड़ा सा अलग चीजें होते हैं, वो क्या होता है आपका जो माउथ पीस है इसका, राइट, लेंथ आपका जो इसका जो कन्वर्जन ट्यूब होता है बेसिकली आप बोल सकते हो, राइट। तो इस चीज में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज आता है, वो क्या है, कन्वर्जन ट्यूब जो होता है आपका हैविंग लेंथ ऑफ 2 डायमीटर्स, राइट, इससे ज्यादा नहीं होता है 2 डायमीटर्स के, या फिर 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर्स का हो सकता है कन्वर्जन ट्यूब का लेंथ जो है। किस केस में होगा, सिर्फ बोर्डा माउथपीस में 2 या 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर के ज्यादा नहीं होगा, राइट। अगर हम फिटिंग माउथपीस का फिटिंग सही से करते हैं, राइट, तो हमारा जो डिस्चार्ज है ऑरिफिस से टैंक का वो क्या हो जाएगा, बढ़ सकता है। एक की पॉइंट है जिसको आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 104 क्या बताया गया है, व्हेन कैन ए पाइजोमीटर नॉट बी यूज्ड फॉर प्रेशर मेजरमेंट इन पाइप्स। कब पाइजोमीटर को हम यूज नहीं कर सकते हैं प्रेशर मेजरमेंट के लिए, राइट। देखिए पाइजोमीटर हमारे पास क्या है, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, इसके काफी सारे चीजें होते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था, बट इस केस में हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है हम देखते हैं। प्रेशर डिफरेंस क्या है, बोल रहा है लो है, तब हम इसको यूज नहीं कर सकते ये बता रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बी ऑप्शन में द वेलोसिटी इज हाई बता रहा है। थ्री ऑप्शन में हमारे पास क्या बोल रहा है, बेसिकली आप देख सकते हैं यहां पर, फ्लूइड इन द पाइप इज ए गैस, द फ्लूइड इन द पाइप
इज हाईली विस्कस। तो पहले समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पाइरोमीटर का। पाइरोमीटर सुटेबल है स्मॉल और पॉजिटिव प्रेशर मेजरमेंट के लिए। नेगेटिव प्रेशर हम मेजरमेंट के लिए ये सुटेबल नहीं है, राइट। और इसके लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव प्रेशर का मेजरमेंट करना तो क्या करते हैं, पाइरोमीटर का यूज नहीं करते हैं। किसका यूज कर सकते हैं हम, यूट्यूब मैनोमीटर का यूज कर सकते हैं या फिर सिंपल मैनोमीटर का यूज कर सकते हैं। खास बात यहां पर क्या है, सिंपल मैनोमीटर और यूट्यूब मैनोमीटर कैन बी यूज फॉर मेजरिंग पॉजिटिव प्रेशर ऑल्सो, राइट। तो यहां पर एक बात और खास बात क्या है, जो दो पॉइंट्स आपको बताया मैंने, तीसरा पॉइंट क्या है, जो फ्लूइड जब होता है, राइट, पाइप, वो क्या होता है, गैस होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पाइरोमीटर का यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो चीजें बताया उसमें तो ऑप्शन में था नहीं, कैसे बताओगे आंसर। तो इस केस में क्या होता है, ऑप्शन सी हमारे पास क्या आता है, करेक्ट आंसर आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर क्या बोला गया, मैच करने के लिए बोला गया, इट इज सेइंग टू मैच। जो हमारे पास एक साइड क्या है, मेजरिंग डिवाइसेस है, दूसरा क्या है, मेजर्ड पैरामीटर है, राइट, ओके। सो हमारे पास क्या है, ध्यान सुनिएगा, जब भी आपके पास क्या आता है, ऐसे लिस्ट आता है, तो सबसे पहले ढूंढो आप कौन से टर्म से बहुत ज्यादा आप क्या हो, फैमिलियर हो, फिर आप कार्रवाई करना शुरू करो। फिर क्या होगा, आपका जो प्रॉब्लम होता है बेसिकली मैच करवाने का, वो क्या होता है, आपका सॉल्व हो जाता है। सो माइक्रोमैनोमीटर से मैं काफी ज्यादा क्या हूं, आपका फैमिलियर हूं, अकॉर्डिंग टू मी। सो माइक्रोमैनोमीटर क्या होता है, आपका डिफरेंशियल प्रेशर से क्या होता है, आपका रिलेशन रखता है, राइट। माइक्रोमैनोमीटर डिफरेंशियल प्रेशर से रिलेशन रखता है, मतलब बी का क्या हो जाएगा, हमारे पास थ्री हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये दो तो कैंसिल हो गया। अब हमारा फोकस कहां पर है, आपका ए और बी पर। ए और बी पर देखिएगा, सी जो ऑप्शन हमारे पास है, पाइप बैंड मीटर जो है रॉ और रेट ऑफ फ्लो के साथ है बट इनडायरेक्ट। तो मतलब क्या है, दो ऑप्शन आ गया। अब हमारे को फाइंड आउट करना है ए का क्या होगा, वन होगा या फोर होगा। ए में क्या है, पीटर ट्यूब मैनोमीटर है। पीटर ट्यूब मैनोमीटर क्या करता है, बेसिकली फ्लो स्टैग्नेशन प्रेशर से रिलेशन रखता है, फ्लो स्टैटिक प्रेशर से नहीं, मैनोमीटर है तो फ्लो स्टैग्नेशन प्रेशर से, राइट। स्टैग्नेशन मतलब क्या है, रुक गया है, बोल सकते एक तरह का। तो इस हिसाब से हमारे पास जो ऑप्शन निकल के आता है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी क्या आज हमारे पास करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 क्या पूछा गया है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेई में पूछा गया है। सो हमारे को पता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का अगर आपको डायमेंशन किसी भी टर्म का निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, अगर आपको पता है उसका यूनिट तो आप इजीली निकाल सकते हो ऐसा यूनिट। तो क्या आ गया हमारे पास, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। मीटर स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, सेकंड मतलब एल स्क्वायर बाय टी, मतलब एल का स्क्वायर टी टू द पावर माइनस वन। ये हमारा डायमेंशन हो जाएगा किसका, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। सो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 107, द लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ एंजुरी इन कंपेरिजन टू कन्वर्जेंट पोर्शन इज, क्या होगा हमें बात करना है इसके बारे। देखिए वेंचुरी मीटर जो होता है ना, वो मतलब एक 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 मतलब इम्पोर्टेंट सा हमारे पास टॉपिक है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में। सो जो आपका डाइवर्जन पोर्शन होता है, आपका कन्वर्जन पोर्शन से क्या होता है, मैक्सिमम टाइम देखें क्या होता है, मतलब जो मैं अब तक देखा है वो क्या ज़्यादा होता है। तो इस केस में हमारे पास अगर ऑप्शन बोलोगे तो क्या होता है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 नंबर क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल पूछा गया बट सिंपल है। क्या बताया गया है, द वेलोसिटी ऑफ ए वाटर स्ट्रीम इज बीइंग मेजर्ड बाय ए एल शेप्ड पीटर ट्यूब एंड द रीडिंग्स इज 20 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितना होगा, तो हमारे को पता है एच इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन क्या आता है, टू जी आता है, वी नो दिस। ऑलराइट, एच हमारे पास क्या बताया गया, 20 सेंटीमीटर, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। सो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने क्या करना पड़ता है, बटे 100 करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 0.2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। जी का वैल्यू हम यहाँ पर 10 लेते हैं फॉर ईज, राइट। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देख पा रहे हैं हमारे पास, सॉरी वी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये अपने आप को खा जाएगा। सो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड आ गया।
सिंपल है ना, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंसर निकल जाएगा फिर। क्वेश्चन नंबर 109, द डिस्चार्ज थ्रू ए पाइप कैन बी मेजर्ड विथ, कैसे हम मेजर कर सकते हैं डिस्चार्ज थ्रू ए पाइप। देखिए डिस्चार्ज थ्रू ए पाइप, हम ये जितने भी चीजें यहां पर दिया हुआ है, वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर फ्लो मीटर, इन सारे से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन डी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। बट खास बात क्या है, और भी हमारे पास डिवाइसेस हैं जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज को मेजर कर सकते हैं, लाइक बैंड मीटर और रोटा मीटर। एनीमोमीटर का काम अलग होता है, उसका काम क्या होता है, एयर और गैस की वेलोसिटी को मेजर करना, राइट। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन, आता है 110 नंबर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इन कंपैरिजन, राइट, वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, सेकंड, इन कंपैरिजन टू कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज, क्या होगा हमारे मैंने बात करना है। देखिए कोएफिशिएंट हमारे पास वेलोसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, हमारे को पता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसेंट्रेशन मल्टीपल कोएफिशिएंट ऑफ क्या, कॉन्ट्रैक्शन नॉट कंसेंट्रेशन मल्टीपल कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है इसका वैल्यू कितना वेरी करता है, लगभग 0.70। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी कितना होता है, लगभग 0.98, मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन कोएफिशिएंट डिस्चार्ज इज, मतलब कोएफिशिएंट डिस्चार्ज क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा कंपैरिजन में, तो यहां पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ज्यादा कौन होता है, सीबी होता है सीडी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, ऑरिफिस इज एन ओपनिंग, क्या बताया गया, विथ क्लोज्ड पेरीमीटर ऑफ एंगुलर फ्रॉम थ्रू विच वाटर फ्लोस विथ प्रोलॉन्ग साइड्स हैविंग अप टू टू थ्री डायमीटर्स ओपनिंग इन थिक वॉल विथ पार्शियली फुल फ्लो इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर विथ रेगुलेशन प्रोविजन। तुम्हारे पास चार ऑप्शन है, वी हैव गिवन फोर ऑप्शन, राइट। सो इन चार ऑप्शन में से हमें क्या करना है, हमारे पास एक आंसर है। सो जो ऑरिफिस होता है बेसिकली वो क्या करता है, हमारे पास ऑरिफिस एक तरह का बोल सकते हो एक ओपनिंग टाइप का है, राइट। तो इज एन ओपनिंग कैसा होता है, क्लोज्ड पेरीमीटर ऑफ रेगुलर फ्रॉम थ्रू विच वाटर फ्लोस, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिफिस बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, द डिस्चार्ज थ्रू एन ऑरिफिस फिटेड इन ए टैंक कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। इसके बारे में थोड़ा सा पहले ही बताया था मैंने, ओके इफ यू रिमेंबर। सो हम कैसे इंक्रीज कर पाएंगे, एक काम से हम इंक्रीज कर पाएंगे, वो क्या है हमारे पास, फिटिंग अ शॉर्ट लेंथ ऑफ पाइप टू आउटसाइड, उससे हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इंक्रीज कर सकते हैं, डिस्चार्ज को इंक्रीज किया जा सकता है। और एक तरीका है, अगर डिस्चार्ज को हम इंक्रीज करें तो क्या कर सकते हैं, अगर हम प्रेशर के डिक्रीज, प्रेशर को डिक्रीज कर दें वेना कॉन्ट्रैक्टर में, राइट, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा डिस्चार्ज रेट क्या हो सकता है, आपका इंक्रीज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 113, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है जो आपका वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सी डी, कोएफिशिएंट डिस्चार्ज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मल्टीपल कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ये फॉर्मूला हमारे पास है। अगर फर्दर आप जाएंगे तो यहां पर और भी फॉर्मूलाज हमारे पास आते हैं, तो ऑप्शन क्या हम देख लेते हैं, स्लोप ऑफ ऑरिफिस, साइज ऑफ ऑरिफिस, हेड ऑफ लिक्विड अबव ऑरिफिस एंड फ्रिक्शन एट द ऑरिफिस सर्फेस। तो जो वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट वेलोसिटी होता है वो डिपेंड करता है फ्रिक्शन कितना है ऑरिफिस सरफेस में, बिकॉज उधर से क्या होता है, फ्लो होता है फ्लूइड का, इसीलिए ऐसा होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 114, द फ्लो इन वेंचुरी फ्ल्यूम टेक्स प्लेस एट, वेंचुरी फ्ल्यूम्स कहाँ होता है, ये एटमोस्फेरिक प्रेशर में होता है, राइट। सो हमारे पास ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115, The length of mouse piece as compared to diameter कितना होता है आपका, ये अगर बात करेंगे तो ये लगभग आपका लगा लो 2 to 3 times होता है, राइट। तो आप हमारे पास इसके बारे में हमने पढ़ भी चुके हैं शायद, पहले वाले वीडियो में बताया था हमको, तो ऑप्शन सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला गया है, द एक्चुअल वेलोसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्लो थ्रू एन ऑरिफिस फ्रॉम ए रिजर्वर ऑफ हाइट एच,
क्या होगा हमारे पास इसका फॉर्मूला। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया कहां से, पीटर ट्यूब से। जो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है हमारे पास 0.98 के आसपास होता है, ये भी पीटर ट्यूब का ही कंसेप्ट है, राइट। और यहां पर पीटर ट्यूब में और एक खास बात जानने की क्या है, जब पॉइंट होता है, जब ऐसा पॉइंट जहां पर वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है पीटर ट्यूब के केस में, उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट, दैट पॉइंट इज नोन एज स्टैग्नेशन पॉइंट। और जो एक्चुअल वेलोसिटी होता है इसमें, इस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीपल रूट अंडर 2gh, राइट। बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी सीवी कम होता है एक्चुअल, मतलब एक वन से कम होता है, मल्टीपल वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या आ गया हमारे पास रूट अंडर 2gh इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी, राइट। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है, तो ऑप्शन टू क्या आ जाएगा इसका, मतलब करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, फायर हॉज नोजल इज जनरली मेड ऑफ, कैसे बनता है, एक कन्वर्जेंट शेप का बनता है, शेप पूछा गया है कन्वर्जेंट शेप का बनता है। ये डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट का कंसेप्ट पढ़ लेना, बहुत सारे डिवाइसेस में आते हैं, अलग अलग तरह का शेप का बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ ए सबमरीन मूविंग इन डीप सी। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें होते हैं, मैंने आपको बताया था, अगर मान लो डीप वेंचुरीमीटर की बात करें तो क्या करती है, रेट ऑफ फ्लो मेजर करती है, और इफ इस प्लेट ये भी रेट ऑफ फ्लो मेजर करती है, हॉट एयर एनोमीटर क्या करती है, एयर और गैस के वेलोसिटी को मेजर करती है, और एक होता है करंट मीटर, आप मत समझना इस करंट, करंट को मेजर करती है ना, करंट मीटर क्या करती है बेसिकली वेलोसिटी इन ओपन चैनल्स को मेजर करती है। तो ये तीनों तो होगा नहीं आंसर, यानी कि ऑप्शन डी क्या जगह से करेक्ट आंसर, लेकिन आंसर क्या है सही, जो डीप सी में आपका मेजर करती है, राइट, स्पीड को मेजर करती है सबमरीन के, राइट। तो वो क्या है, पीटर ट्यूब से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, पीटर ट्यूब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 119, अ स्मॉल होल इन द साइड और बेस ऑफ ए टैंक इज टर्म एस, क्या बोलते हैं उसको हम, ऑरिफिस बोलते हैं, जिससे क्या करते हैं फ्लूइड फ्लो करती है, ये ऑरिफिस बड़ा कमाल का है नहीं। क्वेश्चन नंबर 120, ये भी मिलता जुलता है, द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये हमारे पास सी डी आ गया, सी बी आ गया, एंड सी सी आर रिलेटेड एस, कैसे रिलेट करता है हमारे को पता है, कोएफिशिएंट ऑफ हमारे पास डिस्चार्ज इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी मल्टीपल कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, राइट। ये डबल मल्टीपल नहीं होगा, तो यहां पर सी वी डबल मल्टीपल करते हैं, सी वी करते सॉरी, ये क्या आ जाएगा, सी वी मल्टीपल सी सी हो जाएगा, राइट। यानी कि ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, डी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही था, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन का, लाइक एस एस सी जेई एस पी सी एल आरबीएनएल का, यूपी का भी हम लॉन्च कर देंगे वेरी सून, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं, लिंक में डाल दूंगा एच पी सी एल का फॉर यू रीज इन द डिस्क्रिप्शन। कोई और टेस्ट सीरीज बाय करने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करिए, टॉप टेस्ट सीरीज.com। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।